see question number 4 to 6. In last video, I have already taught in question number 1, 2, and 3. So see question number 4. Find the difference between the place values of question number 4. Find the difference between. Find the difference between place values of we have place values of difference बताना है. Difference means अंतर. दो अलग अलग वैल्यूज आएंगे उनका अंतर बताना है. मैं इसमें केवल दो फर्स्ट एंड थर्ड आपको बताऊंगा, बाकी के दो आप खुद से प्रैक्टिस करोगे. कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो आप हमें कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, या व्हाट्सएप के थ्रू कैसे भी आप क्वेश्चन करिए. सिलेबस का कोई भी क्वेश्चन आई विल इंस्टेंटली रिप्लाई. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. 16 6,15,265 and third one is 5,95,33,165. देखिए इसमें दो सिक्स आए हुए हैं, ये दो सिक्स आए हुए हैं, इन दोनों सिक्स के प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बताना है. तो फर्स्ट सिक्स का प्लेस वैल्यू 6 इंटू ये 1 प्लेस पे है इंटू 10, ये हो जाएगा 60. एंड नेक्स्ट इस 6 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 1,10,100,10,000,00,000. ये लैक के प्लेस पे है इसलिए इसे 1,00,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी प्लेस वैल्यू आ गई 6,00,000. अब क्या आपको करना है, डिफरेंस बताना है. तो देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यूज ऑफ सिक्स इक्वल टू 6 के दोनों प्लेस वैल्यूज का डिफरेंस. तो 6,00,000 में से 60 को माइनस कर देंगे, 6,00,000 माइनस 60. आप इसे कॉलम में भी कन्वर्ट करके ऊपर नीचे लिख के भी माइनस कर सकते हो, जो भी आपके लिए सुटेबल हो. चलिए सीखते हैं. 0 में से 0 को माइनस करेंगे आप 0 आएगा, 0 में से 6 माइनस नहीं होगा, कैरी लेते हैं वो आप जानते हो. ये इससे कैरी लगा, इसके पास भी नहीं है, ये इससे लगा, यहाँ भी नहीं है, ये इससे लगा, फिर अल्टीमेटली 6 इसको देगा कैरी, तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 10, ये इसको दे देगा, तो यहाँ 10, यहाँ 9, ऐसे करके यहाँ पे 10 हो जाएगा. 10 में से 6 माइनस करोगे कितना आएगा, 4. यहाँ पे 9 बचा, यहाँ 9 बचा, यहाँ 9 बचा, एंड 6 1 दे दिया था तो कितना बचा, 5 बचा. इस तरह से इनका डिफरेंशिएट आ गया 5,99,940. नेक्स्ट डिफरेंशिएट बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 95,23,165. तो यहाँ पे दो 5 का प्लेस वैल्यू क्या क्या है, 5 वर्क प्लेस पे है, इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू 5 है, और इस 5 की प्लेस वैल्यू ये किस प्लेस पे है, 1,10,100,10,000,00,000 प्लेस पे है. तो इसको 1,00,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी 5,00,000. अब इन दोनों का डिफरेंस बताना है. तो जैसा उसमें बताया था डिफरेंस इक्वल टू
डिफरेंस इक्वल टू 5 लाख में से आप 5 को घटा सकते घटा दोगे। डिफरेंस में और सब्ट्रैक्शन में एक एक डिफरेंट है। डिफरेंस में हमेशा हम बड़े में से बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं, और सब्ट्रैक्शन में जैसे दिया है मीन्स छोटे में से बड़े को भी माइनस कर सकते हैं या बड़े में से छोटा को, वो सब्ट्रैक्शन है। लेकिन डिफरेंस में हमेशा हम बड़ी वैल्यू से ही छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो बड़ी वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 लाख। अब 5 लाख में से आप 5 को माइनस कर दोगे, क्या आएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 में से 5 माइनस करोगे 5 बचेगा, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ भी 9 एंड 5 उधर एक कैरी दे दिया था, तो ये क्या बचा 4, क्या बचेगा 4। तो ये आ जाएगा 4,99,995। इस तरह से अब बाकी के भी दो पार्ट का प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बता दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स एक्सपेंडेड मीन्स बड़ा, तो बड़े फॉर्म में दिखना है, इसको बड़ा कर देना है जो भी वैल्यू दी हुई है। मैं यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 5 का केवल फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट बताऊंगा, बाकी तो आप खुद से करोगे। 523 एंड 9,50,842। देखिए एक्सपेंडर फॉर्म 5 किस प्लेस में है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 500 है, तो 500 लिख दिया। प्लस 2 का प्लेस वैल्यू 20, प्लस 3 का प्लेस वैल्यू 3, ये इस तरह से ये अपने एक्सपेंडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली यहाँ पे 9 किस प्लेस पे है, लाख के प्लेस पे, तो इसे 9 लाख लिख देंगे। प्लस 5 किस प्लेस पर है, 10,000 के प्लेस पे, तो ये हो जाएगा 50,000। 0 किस प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे, तो 0 तो कहीं भी रहे किसी भी प्लेस पे, वो 0 ही केवल होता है। 800 प्लेस पे, इसे 800 लिख लेंगे। 4 10 प्लेस पे 40 हो जाएगा एंड 2 1 प्लेस पे 2 हो जाएगा। इस तरह से ये अपने एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, राइट द नंबर्स हुज एक्सपेंडेड फॉर्म इज गिवन यू, जिसका एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ है। चलिए फर्स्ट का 5 × 10,000 प्लस 7 × 1000 प्लस 8 × 100 प्लस 1 × 10 प्लस 6 × 1 एंड एक और थर्ड वन 7 × 1 लाख 7 × 1 लाख प्लस 9 × 10,000 प्लस 0 × 1000 प्लस 6 × 100 प्लस 2 × 10 प्लस 8 × 1। देखिए 5 × 10,000 ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50,000 हो गया। प्लस 7 × 1000 7,000 प्लस 8 × 100
एट हंड्रेड हो जाएगा प्लस 10 इंटू 1 10 हो जाएगा प्लस 6 इंटू 1 6 हो जाएगा। अब इन सभी को एकुमुलेट कर देंगे, जोड़ देंगे 50,000 एंड 7,000 कितना हो जाएगा 57,000। अब आराम से बिना मतलब रो वाइज एडिशन किए कॉलम वाइज बिना एडिशन किए आप इसे कर सकते हो। कैसे 1000 प्लेस पे 57,000 आ गया, दोनों 1000 वालों को जोड़ दिया एंड 1 प्लेस पे क्या होगा 810 प्लस 6 16 816 तो 1 प्लस ये हो जाएगा 816। आपको आप जिस हिसाब से अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हो, अगर आप ऐसे नहीं ऐड कर पाते हो तो आप ऊपर नीचे लिख के आराम से ऐड कर लीजिए, और अगर इस तरह से कर पाते हो तो ऐसे कर लो। इसमें देखिए 7 × 1 lakhs ये 7 lakhs हो जाएगा प्लस 9 × 10 10,000 90,000 प्लस 0 प्लस 6 × 100 600 प्लस 2 × 10 20 प्लस 8 × 1 8 हो जाएगा। अब इन दोनों को इन सभी को जब ऐड करेंगे तो 7 lakhs में और कोई नहीं है, लाख वाला और कोई नहीं है तो 7 हो जाएगा। 1000 क्या है 90,000 और ये 0 तो ये 90,000 ही रहेगा। मीन्स 1000 के पीरियड में केवल 90 लिखेंगे और 1 के पीरियड में 600 प्लस 20 प्लस 8 तो ये 28 628। इस तरह से इसे हम इन नंबर्स को जो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे हुए थे उन्हें सिंपल नंबर में कन्वर्ट कर दिए। ओके फाइव सिक्स ओके वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1 to 6 एंड रेस्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 and 10 आई विल टीच यू इन नेक्स्ट वीडियो। मैं आपको बार बार रिमाइंड करा रहा हूँ, आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जिस भी सब्जेक्ट में वीक हो, मोस्टली बच्चे मैथ में ही वीक हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है, आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हो, आप वीडियो को पॉज कर करके बार बार देख सकते हो, बार बार समझ सकते हो। फिर भी कोई डिफिकल्टी हो तो आप हमसे कमेंट करके कंसल्ट कर सकते हो, हम उसको दोबारा समझाएंगे, आप जितनी बार समझना चाहोगे उतनी बार समझाएंगे। तो यूज दिस टाइम केयरफुली एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज आई विल टीच यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।